technology and film scholar in Tamil Medical University. I have a question. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, नमाज का टाइम होता है, तो हमारे जहन में बार बार क्लिक कर रहा होता है कि नमाज ना पढ़ना एक गुनाह है और हम नमाज नहीं छोड़ सकते, या अगर कोई हमसे हेल्प रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो हम ज़रूर उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे दिल में क्लिक कर रहा होता है कि हाँ, हम मैंने इसकी हेल्प ना की तो मतलब एक गुनाह कर रहा हूँ। लेकिन कुरान हमारे लिए, मतलब अक्सर लोगों के लिए एक ऑप्शन हम फील कर रहे होते हैं कि अगर पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो कोई गुनाह नहीं है, या हम इसको टाल रहे होते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे जहन में ही एक ऑब्लिगेशन के तौर पे आ जाए? आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि इसकी बुनियाद पर आप अपनी सोच को मैं और आप सब अपनी सोच को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। मुझे नमाज इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए सिर्फ कि नहीं पढ़ूंगा तो सज़ा मिलेगी। असल में कुरान ने नमाज के मकासद, असल मकसद क्या है कि मेरा रब मुझे याद रहे, अकीम सलात अली दिक्री, अपने रब को याद रखना। और फिर कहा है इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाइयों से और गुनाहों से रोकने वाली चीज़ है। मैंने नमाज की तरफ आना है अपनी हिफाजत के लिए। अगर सारा रिश्ता मेरा नमाज के साथ सिर्फ ये है कि मैं अजाब से बचने के लिए नमाज पे आ रहा हूँ, तो बस वो हाज़िरी दे के मैं फ़ौरन निकल जाऊँ, चलो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मैं नमाज के लिए की तरफ अपनी सेहत के लिए नहीं आ रहा, अपनी बेहतरी के लिए नहीं आ रहा, अपने दिल को ज़्यादा मजबूत करने के लिए नहीं आ रहा, बस अजाब से बचने के लिए आ रहा हूँ। ये बहुत ही मिनिमम किस्म का ताल्लुक़ है नमाज के साथ, और मेरे नज़दीक ये बहुत नेगेटिव किस्म का ताल्लुक है। ये तो इस तरह कहना है कि मैं अपनी अम्मी को जाके सलाम इसलिए कहता हूँ कि नहीं कहूँगा तो वो थप्पड़ मारेंगी। माँ को जाके सलाम इसलिए कहा जाता है कि उससे मुझे उससे मोहब्बत है, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं जाकर सलाम ना करूँ, उठ कर गले ना लगाऊँ। तो जिस चीज़ से मोहब्बत हो जाए ना, तो वो इंसान, इंग्लिश में वो कहते हैं लेबर ऑफ लव। तो नमाज सलाह शुड बी अ लेबर ऑफ लव, किसी की मदद करना ये सोचकर कि अगर नहीं करूँगा तो गुनाह होगा, ये भी मेरे नज़दीक एक बहुत कम सोच है। इससे हमें ऊपर बढ़ना होगा, मैं किसी की मदद इसलिए करूँ कि शायद अगर एक दिन मुझे मदद चाहिए हो तो मैं क्या करूँ। और अल्लाह ताला ने ये जो तोहफ़ा मुझे दिया है, ये इंसान मेरे जो सामने है जिसको मदद की ज़रूरत है, ये तोहफ़ा दिया है मुझे एक, कि इसके ज़रिए मैं अपने गुनाह माफ़ करवा लूँ। इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझे अपनी खिदमत करने का एक मौका दिया है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने दो लड़कियों की मदद की मदीन में, जाकर दरख्त के नीचे बैठे और कहते हैं रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। उसके मायने में से एक मायना ये भी है, मेरे रब अभी जो तूने मुझे अच्छा काम करने का मौका दिया, अगर कोई और भी खैर करने का मौका मुझे दे दे तो मैं उसका मोहताज हूँ, उसका फ़कीर हूँ। उनको एक रग़बत है कि मैं कोई और अच्छा काम करूँ। अब आते हैं कुरान की तरफ। मेरे नज़दीक कुरान इस तरह का पढ़ा कि पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देगा, ये होगा वो होगा, ठीक है वो बातें बाद में हो जाएंगी। पहले आई थिंक वी नीड अ लेबर ऑफ लव, पहले वो हम जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि कुरान अर्रहमान ने भेजा, अर्रहमान अल्लाम अल-कुरान, शदीद मोहब्बत और ख्याल करने वाला अर्रहमान। रहमत के लफ्ज़ से आपको अरबी के जो उसके मानिए वो सामने नहीं आते इतनी आसानी से उर्दू में। रहमत में शदीद मोहब्बत भी है और ख्याल करना भी है। जिस हस्ती को मुझसे इतनी शदीद मोहब्बत कि किसी और को उससे मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं जितनी उसको है, और जितना वो मेरा ख्याल करता है किसी और को मेरा इतना लिहाज नहीं, इतना ख्याल नहीं जितना उसको है। उसने अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर फैसला किया कि वो मुझे कुरान सिखाए, अर्रहमानु अल्लमल कुरान। और कुरान में क्यों पढ़ूँ? इसलिए नहीं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ोगे तो गुनाह होगा, या गिल्ट की बुनियाद पर, क्योंकि हुआ क्या है कि हमारे कल्चर में सारा का सारा इस्लाम गिल्ट की बुनियाद पर खड़ा है। नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये गुनाह मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो, गिल्ट 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 गिल्ट। और जितना आप गिल्ट करोगे उतनी मोहब्बत कम होती चली जाएगी। तो ये बुनियादी जो ताल्लुक़ है हमारा कुरान के साथ, वो अर्रहमान के साथ ताल्लुक़ है, वो मोहब्बत का ताल्लुक़ है। और वो एक दफ़ा पैदा हो जाए तो फिर तो क्या कहने हैं इंशाल्लाह।